एवरीवन, मेरा नाम कुलविंदर कौर है और आप सब देख रहे हैं कैट न्यूज़ नेटवर्क। जैसे कि हम सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल शुरू हो गई है, जनवरी में नहीं हुई, दिसंबर में नहीं हुई, फरवरी महीने में आके शुरू हुई है। तो लोग इतने एक्साइटेड है, इतना खुश है, इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल विजुअल्स हम सामने आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाते हैं। तो चलिए कुछ विजुअल्स बताते हैं आपको। तो मैंने आपको दिखा दी, अब वहाँ पे कुछ मौजूद लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। उनका क्या रिव्यू है, क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं, वो भी आपको बताते हैं। हाँ, जैसे कि यहाँ बर्फबारी हुई है पिछले कई दिनों से, जम्मू कश्मीर के वासी काफ़ी खुश हैं क्योंकि यहाँ पे ड्राई वेदर था, काफ़ी यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं वो ख़राब हुए थे, तो अब वेदर यहाँ पे चेंज हुआ है, स्नोफॉल हुई है हाई रीचेस में, गुलमर्ग में, पहलगाम में, और टूरिस्ट भी बहुत जो है एंजॉय कर रहे हैं बर्फ़बारी में। काफ़ी टाइम पे के बाद बर्फ़बारी यहाँ पे हुई है, तो इससे बहुत सारा फ़ायदा भी मिल सकता है यहाँ के लोगों को, जो है इलेक्ट्रिसिटी में जो है बढ़ोतरी हो सकती है, पानी रह सकता था गर्मियों के मौसम में। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो फॉर फ्लंग एरियाज़ हैं, बहुत जगहों पर भी रास्ते बंद ही है, मगर जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगी हुई है, स्नो कटर्स लगी हुई है फॉर फ्लंग एरिया में। अभी हम गुलमर्ग में हैं, आप देखें कि अभी स्नोफॉल हो रही है। मैं यहाँ का एक लोकल वासी हूँ, लोकल नागरिक हूँ, टूरिस्ट भी बहुत आ रहे हैं, काफ़ी खुशी देखने को मिल रही है लोगों को। अभी भी आज भी बर्फ़बारी हो रही है, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में बर्फ़बारी जारी रहेगी और यहाँ पे टूरिज़्म जो है टूरिस्ट आते रहेंगे और यहाँ पे रोज़गार बढ़ जाएगा, चाहे यहाँ के गाड़ी वाले हैं, शिकारा वाले हैं, उनको भी रोज़गार बढ़ सकता है। हमें यही उम्मीद है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट है ज़्यादा हो जाएगी, बिजनेस बढ़ेगा, बाकी जितने भी यहाँ आज तक इंडिया के लोग टूरिस्ट नहीं आए हैं वो आए, वो लुत्फानंदोज़ हो जाए बर्फ़बारी में। गुलमर्ग आए वो घूमने के लिए, पहलगाम आए वो गुलमर्ग के लिए, और यहाँ पे अभी जो है सिचुएशन भी पीस नॉर्मल है, अच्छा माहौल है। मेरा नाम अरीबा शौकत है, तो मैं कश्मीर के लोगों से, कश्मीर की आवाम को ये बोलना चाहती हूँ कि आज कश्मीर में गुलमर्ग, पहलगाम बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी पड़ रही है। पहले तो ड्राई स्पेल था, पहले तो बहुत ही खुशकसाली थी, लेकिन अब पड़ रही है बहुत ज़्यादा घनी बर्फ़।
लगभग 2-3 इंच होगी। और हम अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं कि उनने यहाँ पर बर्फबारी कराई और हम लोगों को मरने से बचाया, क्योंकि अगर ऐसी खुशहाली रहती तो खुदा न खास्ता कुछ लोग मर भी जाते। तो मैं यही कहना चाहती हूँ टूरिस्ट से और कश्मीर की आवाम से कि वो आए और बर्फबारी के मज़े ले आए और एक्सप्लोर करें कश्मीर को। थैंक यू। वीडियो भी आपने देख ली, विजुअल्स भी आपने देख लिए, लोगों का ओपिनियन भी आपने जान लिया, तो आपका भी मन कर रहा होगा वहाँ जाने का। तो कमेंट सेक्शन में आप भी बताइए आप क्या कुछ कहना चाहते हैं। और ऐसी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, हंसी मजाक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।